आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल मैनिफोल्ड 870 येलो जैकेट का डिजिटल मैनिफोल्ड, और इसकी हम लोग हिंदी में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए, अभी ये स्विच ऑफ कंडीशन में है। हमें इस बटन को दबा के इसको स्विच ऑन करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं फर्मवेयर 2.01 और ये मेन स्क्रीन आ गई। जब भी इसको पहली बार यूज़ करते हैं तो इसकी स्क्रीन को कैलिब्रेट करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि इसकी स्क्रीन कैसे कैलिब्रेट करते हैं। ये जो ऑन ऑफ का स्विच है, इसको हम 3 बार क्विकली प्रेस करेंगे, 1, 2, 3, और ये स्विच ऑफ हो गया। जब ये स्विच ऑफ हो गया तो वापस जब स्विच ऑन करेंगे तो ये कैलिब्रेशन मोड में आ जाएगा। अब देखिए, ये 3 जगह डॉट बना रहा है, हमें जहाँ पे डॉट है वहीं पे टच करना है, 1, 2 और ये 3। अब ये चालू हो गया तो इससे ये वापस से कैलिब्रेट हो गया, ताकि स्क्रीन में जहाँ आप टच करेंगे उसी को वो सेंस करेगा। फाइन। अब इसमें जो इसको पूरा स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेटिंग्स का हमने बटन प्रेस किया। इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले हम रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इसमें 410A रेफ्रिजरेंट है। अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके और इसमें से कोई भी रेफ्रिजरेंट हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसमें 134A चूज़ कर लेता हूँ। 134A इससे ऊपर होगा 134A, ये आ गया 134A। मैंने 134A रेफ्रिजरेंट चूज़ कर लिया। यूनिट्स हमारे को PSIG, माइक्रॉन्स और डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो वो चूज़ कर लिए। अदरवाइज कोई भी यूनिट हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ गए हम डिवाइस सेटिंग में। डिवाइस सेटिंग में कि हमें कितना डेटा चाहिए, जैसे इसमें 10 मिनट में चूज़ किया हुआ है, तो मैंने 10 मिनट की जगह हर 5 मिनट की रीडिंग हम लोग सेव करेंगे। ऑटो ऑफ को मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि हम ये डेमो कर रहे हैं, और बैकलाइट में भी हम लोग ऑफ कर सकते हैं या ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। इस समय कोई भी प्रेशर कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई भी प्रेशर कनेक्टेड नहीं है तो आप इसको जीरो ट्रांसड्यूसर कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, इसके प्रेशर सेंसर्स कैलिब्रेट हो जाते हैं और वो जो भी रीडिंग अभी एग्जिस्टिंग है उसको जीरो कर देते हैं। पुरानी जो जितना भी डेटा है, अगर उसको डिलीट करना हो तो इसमें से डिलीट लॉग फाइल करके हम उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम एग्जिट करते हैं, और अब ये 3 मोड इसमें दिखा रहा है। ये सबसे नीचे वाला जो मोड है वो है प्रेशर होल्ड मोड, जो कि नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। फिर है इवैक्यूएशन मोड, जो वैक्यूमिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर प्रेशर टेम्परेचर, जिसमें सुपर हीट, सब कूलिंग, चार्जिंग के बाद हम लोग जिसको यूज़ करते हैं। सो इसमें हम भी प्रेशर होल्ड में जाएंगे, जिसमें हम नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं। मैंने प्रेशर होल्ड प्रेस किया। प्रेशर होल्ड प्रेस करने के बाद आप देखेंगे इसमें प्रेशर डिके आ रहा है, अलाउएबल चेंज आ रहा है, और टेस्ट ड्यूरेशन आ रहा है। प्रेशर डिके हम लोग करने वाले हैं, नाइट्रोजन प्रेशर का डिके टेस्ट, और उसके बाद हम अलाउएबल चेंज, ये 10% से लेके 0.1% तक होता है। हम कोई भी रीडिंग इसमें चूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं इसमें 0.1% चूज़ कर लेता हूँ। और टाइमिंग में ये मैक्सिमम टाइमिंग 24 आवर्स का टेस्ट करता है, और मिनिमम ये 5 मिनट का करता है। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 6 आवर, 12 आवर, 24 आवर्स, इसमें हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने चूज़ कर लिया कि 0.1 PSI इन 24 आवर्स इज समथिंग विच वी हमें चेक करना है कि इसको ये पास करता है या फेल करता है। मैं कंटिन्यू करूँगा, और उसके बाद सेट P1, जब जैसे ही हमारा इसे 350 PSI या जो भी PSI हमें सेट करना है वो आ जाएगा, तो मैं उसको प्रेस करूँगा। तो अब ये कैलकुलेट करना जरूरी करेगा जो इनिशियल प्रेशर है और जो प्रेशर हमारा आ रहा है। अब ये आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत ही फाइन रखा था तो ये 24 घंटे तक वेट नहीं किया, इसने अभी इसे ही बता दिया कि ये फेल हो गया। तो फेल के केस में रेड कलर आता है और अलार्म आ जाता है, बीप आ जाती है। ऐसे ही जब पास होता है तो ये ग्रीन कलर का यहाँ पर आता है और आपको पास का इंडिकेशन दे देता है। अब जब वो हमारा डेटा हो गया, अब हम प्रेशर टेस्ट जब तक वो पास नहीं होता हम करते रहते हैं, और उसके बाद हम वैक्यूम पे जाते हैं। वैक्यूम में भी बिल्कुल ही सिमिलर होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही सिमिलर है। इसमें माइक्रॉन्स में वो दिखा रहा होगा। टारगेट माइक्रॉन हमने डाल दिया 200 माइक्रॉन, होल्ड डाल दिया 15 मिनट, यानी कि जब हम जिस भी लेवल पे वैक्यूम पहुँचेंगे 15 मिनट तक उसको 200 माइक्रॉन के नीचे रहना है। अगर वो 200 माइक्रॉन के नीचे नहीं रहता 15 मिनट तक, तो ये टेस्ट को फेल कर देगा, अदरवाइज पास कर देगा। और इसका भी बिल्कुल ये सिंपल वैसा ही तरीका है जैसे प्रेशर टेस्ट का था। इस केस में भी ये 15 मिनट तक वेट नहीं करेगा। अगर वो जल्दी राइज हो रहा होगा तो ये फटाफट आपको बता देगा 1 मिनट 2 मिनट में कि ये पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इसी में भी हम लोग जो ये होल्ड टाइम है ये चेंज कर सकते हैं
1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट तक हम लोग इसको कर सकते हैं। फाइन, तो इसके बाद अब मैं वापस से चला जाता हूँ। अब मैं वापस से यहाँ पे आ गया हूँ मेन स्क्रीन पे। इसमें जो लास्ट चीज़ है हमारे पास वो है प्रेशर टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर में हम जाएंगे तो हमारे को ऐसे डायल में दिखता है, ये हमारा सक्शन प्रेशर, ये हमारा डिस्चार्ज प्रेशर, और साथ में जो आप बीच में देख रहे हैं इस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग, वो इस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर दिखा रहा है, जो कि है से -27.3। ठीक है, अभी क्या होता है, इसके पीछे ही हमारे ये पोर्ट लगा हुआ है, तो मैं आपके सामने एक ये निकालता हूँ टेम्परेचर क्लैंप, और एग्जांपल के तौर पे मैं इस टेम्परेचर क्लैंप को लगा देता हूँ सक्शन की साइड पे, ताकि हमें पता चले कि क्या रीडिंग्स आती हैं। तो टेम्परेचर 1 जो कि ये है, ये सक्शन के साथ कनेक्टेड होता है, तो मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये रूम का टेम्परेचर दिखा रहा है। सपोज मैं इसको किसी भी मेटल सरफेस के लिए इसी सरफेस पे लगा देता हूँ। सॉरी, मेरे हाथ से सेटिंग्स लग गई थी। अब आप इसमें देखेंगे, अब ये सुपर हीट दिखाने लगा है। तो ये क्या बोल रहा है कि सेचुरेशन टेम्परेचर जो है वो -27 है, और जो एक्चुअल टेम्परेचर ये सेंस कर रहा है सुपर हीट कैलकुलेट करने के लिए, वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। तो मतलब सुपर हीट हो गई 55। सो ये बहुत ही हाई सुपर हीट है। ऐसे ही सब कूलिंग, तो ये सुपर हीट सब कूलिंग का ये पूरा डेटा इसमें रिकॉर्ड होता रहता है। अगर आपको इसकी जगह आपको इसको टेबल फॉर्म में देखना हो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसमें आपको कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है ग्राफ की तरह वो प्लॉट हो करके इसमें दिखता रहेगा। ऐसे ही दोनों गेजेस को भी कर सकते हैं, और वापस से आप डायल शेप में भी। मैं थोड़ा सा कन्वेंशनल हूँ, मुझे डायल गेज ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं इसको डायल में ही देखता रहूँ। फाइन, इसके अलावा इसमें अगर आपको और भी कोई चीज़ किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में पूछना है, जैसे वैक्यूम कनेक्ट अगर करना है, तो वैक्यूम कनेक्ट करने के लिए ये हमारा एक वैक्यूम सेंसर आता है इसके साथ। इस वैक्यूम सेंसर को हम लोग इसके ही पीछे अगर आप देखेंगे तो ये है ऑक्सिलरी 1 एंड ऑक्सिलरी 2। तो इसमें हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। जब हम इसमें यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और इसी पोर्ट को जहाँ पे भी हमें वैक्यूम लगाना था वहाँ पे इसको हम कनेक्ट करेंगे, और उससे ये वैक्यूम यहाँ पे हमें माइक्रॉन्स में दिखाता रहेगा। सो ये पूरी एसेसरीज के साथ आता है। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे इसके कमेंट में डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की। आपका मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको और भी किसी तरह की वीडियो की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। शुक्रिया।